इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बेरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने छोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले की जानकारी दी गई। नेतन्याहू के सचिव ने हमले की सूचना दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है सुमित, इस पर आगे क्या अपडेट आ रहा है, डिटेल क्या आ रही है, जानकारी दीजिए। देखिए आपको बताऊं कि करीबन 6 बजे करीब, ये वैसे तो जानकारी लगातार इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से मिल रही थी कि आज करीबन 6 बजे जो है वो नसरल्ला दाहिया के अंदर, जो बेरूत के बहुत पास का इलाका है, वहां पर अपने हेडक्वार्टर्स में जाएगा, लगातार अपने कमांडर से बातचीत करेगा, प्लान बना रहे हैं खासतौर पर इसराइल में बड़े अटैक को इनिशिएट करने के लिए। और इसी जानकारी को कई मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद, पुख्ता करने के बाद 6:05 पर, यानी जब उस इलाके में मूवमेंट देख ली गई, जब ये कंफर्म कर लिया गया कि हाँ मूवमेंट हुई है, उस बिल्डिंग्स में कुछ एंट्रीज की गई है, कुछ लोग उसमें घुसे हैं, तब 6:05 पर इस अटैक्स को अंजाम दिया गया। और आसपास की ना सिर्फ उस बिल्डिंग को, इस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स वाली बिल्डिंग को जो दाहिया के इलाके में मौजूद है हिजबुल्ला की, उसके आसपास की 6 और बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। और ऐसे बॉम्ब इस्तेमाल किए गए 2000 टन के, जिससे ना सिर्फ आप कह सकते हैं प्रिसाइज बॉम्ब थे, और ये डीप पेनिट्रेट कर पूरी बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया, पूरी की पूरी हाई राइज बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ये जानकारी मिली कि नसरल्ला उसमें बच गया है। क्या वो उस समय वहां मौजूद नहीं था, या फिर उसके अंदर मौजूद, इन बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद जो बहुत आप कह सकते हैं कि डीप इनसाइड बंकर्स हैं, बहुत डीप बंकर्स हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके के बंकर हमास बनाता है, उसका सारा परीक्षण की ट्रेनिंग हिजबुल्ला ने ही दी है, तो हिजबुल्ला अपने लिए भी सारे मैकेनिज्म को तैयार रखता है, खासतौर पर दाहिया के इलाके में, तो दाहिया के हर दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे ही डीप बंकर्स मौजूद हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नसरल्ला उसमें बच निकला है। हालांकि इसी की जानकारी को पुख्ता करने के लिए अब नेतन्याहू जो न्यूयॉर्क में मौजूद है, यूएन को में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बीच में जिस तरह से हमला किया गया है, एक बार फिर से आप इन हमलों की गूंज को सुनिए और किस तरह से देखिए आग के शोले और धुएं का गुबार इस वक्त आसमान में नजर आ रहा है। هياها قدامي هياها هياها صاب المخ और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह। सर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को बेरूत में बमबारी पर, इस वक्त ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं, जिस 48 घंटे का हम जिक्र बार बार कर रहे थे, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी, और इस तरह का अटैक होना ये पूरे इस युद्ध के माहौल को और कितना ज्यादा विध्वंसक बना देता है? नहीं, बिल्कुल विध्वंसक बनाता है प्रीति। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि इसराइल अब रुकना नहीं चाहता या रुकने नहीं जा रहा है। अभी उसने लेबनान पे अटैक किया, जो नेक्स्ट टारगेट सीरिया होगा, शायद इराकी मिलिशिया जो ईरान समर्थित हैं उन पर अटैक करे, तो अब ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अब तक जो हमने देखा है, जो लड़ाई हो रही थी या जो भी युद्ध हो रहा था गजा और इसराइल के बीच, उसमें हमने देखा कि ये जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म करने का, वो कर नहीं पाए। और जितने भी इनके हॉस्टेजेस थे, करीब 100 के करीब, उनको वो रिलीज नहीं कर पाए। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ है कि जो गजा पे जो जिस तरह के बम गिराए जा रहे थे या लोगों को तबाह किया जा रहा था, उसमें थोड़ी शिथिलता हुई है। और लेकिन एक नए फ्रंट खुलने के बाद ये कहां जाके रुकेगा? और अब तो ये लग रहा है कि इसराइल प्रोवोक कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया को कि वो एक टिंडर बॉक्स पे है, आप आइए इसको आग लगाइए और तमाशा देखिए। ईरान ने अब तक रिएक्ट नहीं किया है, ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा अगर ये बात आगे बढ़ती है, और हसन नसरल्ला अगर मान लीजिए मारे जाते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, यमन के हूतीज कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ये सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि अब बिन्यामिन नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे वेस्ट एशिया को आग के इसमें डाल रहे हैं कि आने वाला न कि सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू का समय, बल्कि जो बाइडेन का जो इलेक्शन है, मतलब अमेरिका में जो इलेक्शन है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और यही एक और बात अमिताभ जी, जिसको मैं सुमित से समझना चाहूंगी, सुमित, वो ये कि प्रॉक्सीज इस हमले को किस तरह से ले रहे हैं, वो प्रॉक्सीज जो पूरी तरह से इसराइल के खिलाफ है और उसके हर एक्शन पर निगाह बनाए हुए हैं, इस हमले के बाद उनकी तैयारी अब क्या और ज्यादा खतरनाक एज पर पहुंचेगी?
बिल्कुल प्रीति, देखिए ना सिर्फ उनकी तैयारी बल्कि उनके हमले भी खतरनाक होंगे। अगर आप देखें पिछले कई दिनों में हमने देखा कि अब इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं वो इराक से भी इनिशिएट किए जा रहे हैं, पहले सीरिया से भी किए जा रहे थे, अब इराक से भी इनिशिएट किए जा रहे हैं। और जो लगातार जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्ला ही हो, मीडियम रेंज की जो मिसाइलें वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रेंज जो है वो 1500 से किलोमीटर है, किसी की 2000 किलोमीटर है, यहां तक कि हूतियों ने जो मिसाइल दागी है इसराइल पर तेल अवीव पर उसकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर है। तो निश्चित तौर पर नसरल्ला पर अटैक के बाद प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे और यही डर है इसराइल को। यही वजह है कि इसराइल के इस पूरे एयर स्ट्राइक्स के बाद नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट से या फिर सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत की, कोई जानना चाह रहे थे कि हिजबुल्ला के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है नसरल्ला का ठिकाना बदलने की तैयारी की जा रही है। नसरल्ला लेबनान से बाहर जा सकता है, सूत्र बता रहे हैं तुर्की या कतर जा सकता है नसरल्ला, क्योंकि बाई के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन नसरल्ला का ठिकाना बदलने की तैयारी लगातार इस हमले की बात की जा रही है। और इस हमले पर थोड़ी देर में हिजबुल्ला का बयान भी जारी होगा जिसको लेकर डिटेल हिजबुल्ला की तरफ से सामने आएगी, लेकिन हिजबुल्ला के सूत्र जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि नसरल्ला का ठिकाना बदलने की तैयारी होगी। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप सुमित क्या होगा नसरल्ला के लिए, वो कौन सा महफूज देश होगा जहां पर वो अपने लिए पनाह मांग सकता है या उसे मिल सकती है? इतिहास सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आखिरकार नसरल्ला अब जो इसराइल का नेक्स्ट टारगेट है, सबसे बड़ा इसराइल अभी जो सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, पूरी इंटेलिजेंस को लगाया हुआ है वो नसरल्ला पे लगाया हुआ, और नसरल्ला को निकालने के लिए लगातार ईरान ने भी पूरी एडी चोटी का जोर लगा रखा है। ईरान इस कोशिश में है कि नसरल्ला को बेरूत से निकाला जाए, लेकिन आखिरकार कहां लेकर जाया जाए, क्योंकि बेरूत में उसको रख नहीं सकते, लगातार दाहिया के इलाके में बेरूत में इसराइल अटैक कर रहा है, इसराइल को इंटेलिजेंस भी बहुत सॉलिड है। दूसरा इलाका आता है जो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था वो ईरान, ईरान में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसराइल ने पिछली बार जो अटैक्स किए ईरान में उससे पूरी व्यवस्था के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अलग से अगर या कतर का नाम आ रहा है नसरल्ला वहां पर रुक सकता है, वहां पर ठिकाना बना सकता है, ऐसा क्यों इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो नसरल्ला के लिए तुर्की या कतर क्यों बेहतर जगह हो सकती है? बिल्कुल, मैं प्रीति उसी पर आ रहा था कि ऐसे में लेबनन के साथ लगता हुआ जो ऐसा देश जो सेफ पैसेज मुहैया करा सकते हैं जहां से ले जाने में भी दिक्कत ना हो वो होगा सीरिया के होते हुए टर्की ले जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि टर्की से रशिया ले जाना। कई ऐसे देश है जहां पर इसराइल सीधे तौर पर अटैक नहीं करेगा या फिर अटैक करने से बचेगा, और वहां पर नसरल्ला को सिक्योरिटी देना बहुत आसान हो जाएगा या फिर इतना ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे देशों के लिए खोज की जा रही थी जहां पर नसरल्ला को चुपचाप ले जाया जा सकते, वो कतर भी है, वो लगातार टर्की भी है, उसका नाम रूस भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अलायंस या फिर ऐसे अपने अपने देशों के साझेदारों के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर नसरल्ला को ले जाया जा सके, लेकिन उससे पहले कि जब तक इसको इनिशिएट किया जा सके, जब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सके, उससे पहले ही इसराइल ने ये बड़े अटैक्स किए। इसराइल को ये मल्टीपल सोर्सेज से खबरें मिल रही थी कि निकलने से पहले, इस बेरूत से निकलने से पहले लगातार नसरल्ला एक बड़ी मीटिंग लेने वाला है जो सीधे वो दाहिया के इलाके में लेगा। आज शाम को 6 बजे करीब इसराइल लेबनन के साथ समय अनुसार ये बड़ी मीटिंग दाहिया के हेडक्वार्टर्स में ली जानी थी।